माइक चालू है, ये क्या कर रहा है ये? वीडियो नहीं आ रहा, क्या कर रहा है? वीडियो नहीं तो कहाँ से आएगा? ऑडियो में ना चालू ऑफलाइन हो गई। टाइप यहाँ करते हैं ना, टाइप नहीं है इससे। हेलो हेलो शालू, सुनाई आ रही है आपको आवाज? हेलो हेलो शालू, आवाज सुनाई आ रही है आपको? हेलो श्रीनिवास, आपको आवाज सुनाई आ रही है? दीपक, आपको? सर अभी 5 मिनट में आ रहे हैं, आपको कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
हम बात कर सकते हैं ना। सर अभी 5 मिनट में आ रहे हैं, अब 5 मिनट बाद सर से स्टार्ट करेंगे लेक्चर। आपको कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई कल का कंसेप्ट में कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन किसी तरह कोई इंक्वायर कोई क्वेश्चन कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो। श्रीनिवास आपको अच्छे समझ में आ रहा है आपको? हाँ आशु मैं सुबह ही आता हूँ मैं। Yes.
चालू अभी सारा आया नहीं है आपका ऑडियो और वीडियो दोनों सुनाई नहीं आ रहा है। चलो अभी सर आए नहीं है शालू अभी, इसलिए अभी वीडियो ऑफ किया हुआ है।
गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? विकास, आज तो प्रॉब्लम नहीं है कनेक्टिविटी में? थिंग्स आर क्लियर? ऑडियो आ रहा है? ओके ओके ओके. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग. चलिए अब कल से आगे अपन लेते हैं. कल आपने यहां तक पढ़ लिया था कि अपन इस कोड को रन करते वक्त पास करा था सचिन और अमित. तो थोड़ा कंटिन्यूटी बिठाने के लिए आप बता दें, व्हाट आर सचिन एंड अमित फॉर जावा? इस वक्त सचिन और अमित क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. एग्जैक्टली. सचिन कहां जाकर स्टोर होगा? सचिन कहां जाकर स्टोर होगा? ARGS 0. एग्जैक्टली. एरे इंडेक्स 0 में, बिल्कुल. और अमित स्टोर होगा ARGS 1 में. ठीक है, अब इससे आगे अपन लेते हैं आज का कॉन्सेप्ट. अब सपोज करिए मैंने, ये तो लास्ट लेक्चर का एग्जीक्यूशन हुआ, इसको आगे लिया. प्रोग्राम मेरा सेम है, हेलो ARGS 0, हेलो ARGS 1, ओके. लेकिन मैंने रन करते वक्त, वॉच केयरफुली, रन करते वक्त सिर्फ सचिन पास करा. आई डिडंट पास द सेकेंड नेम, दैट इज अमित. सिर्फ एक नाम पास करा मैंने, विच इज सचिन. आप बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जावा क्या करेगी? जावा क्या करेगी? श्रीनिवास, एरर का मतलब होता है सिंटेक्स एरर. और रन टाइम पे अगर एरर आती है तो हम जावा में उसे एक्सेप्शन बुलाते हैं. तो कहने से ये एरर है, कहने से ये एक्सेप्शन है. एग्जैक्टली. ये एरर नहीं है. चालू नाम सही लिखा है, स्टेटमेंट गलत बोला है. एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सही है, लेकिन कंपाइल टाइम एरर नहीं. इट्स एन एक्सेप्शन. ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए ध्यान देने को कह रहा हूं क्योंकि एक पूरा पूरा चैप्टर है जो आप जावा में आगे पढ़ने वाले हैं. अभी के लिए ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए. जावा का ये मानना है, ये हमने जावा के बेसिक्स में भी सीखा था जब मैं आपको जावा की प्रॉपर्टीज करा रहा था, कि जब भी आप अपने प्रोग्राम में किसी एरे को एक्सेस करते हैं, ARGS क्या है फटाफट बताइए, व्हाट इज ARGS? इट्स एन ARGS इज एन एरे, स्ट्रिंग एरे. बिल्कुल सही. तो जब भी जावा में आप किसी एरे को एक्सेस करते हैं, जावा आपको यह परमिशन नहीं देती कि आप उस एरे के इंडेक्स के बाहर जाकर चीजों को एक्सेस कर पाए. आप समझने की कोशिश करिए, अपन ARGS 1 बोल रहे हैं और ARGS के अंदर 1 नाम का इंडेक्स ही नहीं बना है क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू अपन ने पास करी है, विच इज सचिन. राइट. अब यहां यह भी समझना जरूरी है, प्रॉब्लम किस पे है, पहले एसओपी में कि दूसरे एसओपी में? प्रॉब्लम किस पे है, फर्स्ट एसओपी में कि सेकंड एसओपी में? एसओपी माने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सेकंड में. राइट. तो जावा फर्स्ट वाली लाइन चला देगी, जावा ये वाली लाइन चला देगी और बकायदा स्क्रीन पे आपको प्रिंट होकर मिलेगा हेलो सचिन. लेकिन जैसे ही जावा को ये सेकंड वाली लाइन दिखेगी, ये वाली लाइन जहां आपने ARGS 1 बोला है और एरे के अंदर कोई इंडेक्स 1 नहीं है, जावा विल थ्रो एक्सेप्शन. पढ़िए ध्यान से, जावा आपको क्या दिखा रही है? जावा हेलो सचिन दिखा रही है आपको. हेलो सचिन इज बीइंग डिस्प्लेड, लेकिन जो अगली लाइन है ARGS 1 वो चल ही नहीं पा रही है बिकॉज जावा हैज जनरेटेड द एक्सेप्शन. इसका नाम क्या है, ये क्या करती है, वो हम आगे देखेंगे. अभी बस इतना समझिए, सबसे पहली लाइन पढ़िए एक्सेप्शन, यानी जावा आपको बता रही है प्रोग्राम में आ गई रन टाइम एरर. और जब भी जावा में रन टाइम एरर आती है, आपके स्क्रीन पे हमेशा एक वर्ड फ्लैश होता है विच इन जावा इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? चलो आगे, क्लियर हो गया. अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए अगर ये क्लियर है तो. सपोज कीजिए ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ये वाले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बाद मैंने एक तीसरा भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा, ओके, जिसके अंदर मैंने लिखा बाय. ये लाइन मान लीजिए मैंने इसमें ऐड कर दी एक. अब आप बताइए आउटपुट क्या आएगा अगर मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ सचिन ही पास करूंगा तो? हेलो सचिन और बाय आएगा या सिर्फ हेलो सचिन आएगा? टेल मी. क्वेश्चन फिर समझिएगा. एग्जैक्टली. तो आउटपुट क्या आएगा विकास, हेलो सचिन और बाय या सिर्फ हेलो सचिन? आपको क्या लगता है जावा क्या करेगी? एग्जैक्टली. जावा सिर्फ मुझे ये वाला एसओपी रन करके देगी
ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ये वाला एसओपी रन करेगी, ये वाला ना, ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन चलेगा ना ये वाला चलेगा। यानी जावा में एक्सेप्शन की खासियत है, जिस लाइन पे एक्सेप्शन आती है वो लाइन तो नहीं ही चलती है, उसके आगे वाली लाइनें भी चलना बंद हो जाती हैं। तो गेस करिए मेरे प्रोग्राम में लाइन नंबर 1, 2, 3 और 4 है। लाइन नंबर 2 पे अगर कोई प्रॉब्लम यानी एक्सेप्शन आ गई तो यहां से लेकर यहां तक पूरा कोड जावा रिजेक्ट कर देगी, सिर्फ ये एक लाइन चलाएगी, इसके आगे कोई कोड नहीं चलेगा और मेरा प्रोग्राम इमीडिएट इफेक्ट के साथ टर्मिनेट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? इसलिए जावा में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम का चैप्टर, जो अपन आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। क्लियर? इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये बताइए, अगर मैं सचिन भी पास नहीं करता तो क्या होता? What will happen if I'll not even pass Sachin? सचिन भी पास ना करूं तो क्या होगा? एक्सेप्शन कहां आ जाएगी? पहली ही लाइन पे एक्सेप्शन आ जाएगी। एग्जैक्टली, एक्सेप्शन विल अकर एट फर्स्ट लाइन, और कोई आउटपुट नहीं आएगा, बस ये एक्सेप्शन का मैसेज जावा देगी और प्रोग्राम को इमीडिएट इफेक्ट के साथ टर्मिनेट कर देगी। क्लियर हुआ एवरीवन? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके, तो ये है केस नंबर 3 कि आपने ज्यादा इंडेक्सेस यूज करें, वैल्यूज आपने कम पास करी हैं। ठीक, केस नंबर 4 पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हेलो यार जीएस 0, हेलो यार जीएस 1 और बाय मैंने लिखा, रन मैंने करा 3 वैल्यूज के साथ, सचिन, अमित एंड सुमित। आपको बताना है आउटपुट क्या आएगा, या एक्सेप्शन आएगी तो आप एक्सेप्शन लिख दें। पहले तो बताइए एक्सेप्शन आएगी कि नहीं, पहले इतना बताइए एक्सेप्शन आएगी कि नहीं, यस और नो? विल दिस कोड जनरेट एक्सेप्शन? एब्सोल्युटली करेक्ट, नो एक्सेप्शन। समझने की कोशिश करिए एक्सेप्शन क्यों नहीं आएगी। सचिन जाएगा एआरजीएस 0 में, ठीक, अमित जाएगा एआरजीएस 1 में, सुमित जाएगा एआरजीएस 2 में। अब जावा ये कभी नहीं कहती कि एरे के सभी इंडेक्सेस को आप यूज करें, तो जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एआरजीएस 2 यूज नहीं करा है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुमित रहेगा आपके प्रोग्राम के अंदर लेकिन स्क्रीन के ऊपर आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा। प्रॉब्लम तब आती है जब इंडेक्स है नहीं और प्रोग्रामर उसे एक्सेस करने की कोशिश करता है, राइट? तो एरे में इंडेक्स नहीं है और आप एक्सेस करेंगे तो जावा एक्सेप्शन देगी, बट एरे में वैल्यू है और आप एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं, जावा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जावा कोई एक्सेप्शन नहीं देगी। ओके, तो अब आउटपुट बताइए क्या आएगा। हेलो सचिन, राइट, फॉलोड बाय हेलो सचिन के बाद हेलो अमित बाय, लेकिन तीनों अलग अलग लाइनों में आएंगे बिकॉज अपन ने यूज करा हुआ है प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन आउटपुट नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर देगा, सो आउटपुट वुड बी लाइक दिस। इन द फर्स्ट रो विल गेट हेलो सचिन, सेकेंड रो विल गेट हेलो अमित, इन द थर्ड रो विल गेट बाय। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट केस, केस नंबर 5। मैंने लिखा हेलो एआरजीएस 0, नीचे लिखा बाय और प्रोग्राम को रन डबल कोट्स में सचिन अमित पास करके करा। नाउ व्हाट? एनी गेसेस? थोड़ा आप डिफिकल्ट है बट ट्राई करिए। परफेक्ट आंसर श्रीनिवास, परफेक्ट आंसर सचिन अमित, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पूरा, क्योंकि आपने डबल कोट में दिया है, दिस कंप्लीट वर्ड सचिन अमित विल बी पास्ड ऑन टू ए आर जी एस 0। यानी आज के लेक्चर की एक और जरूरी बात, अगर आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स में डबल कोट्स यूज कर लिए तो डबल कोट्स की स्टार्टिंग से लेकर डबल कोट्स की क्लोजिंग के बीच में
जो आपने पास करा है वो चला जाएगा एक ही पर्टिकुलर इंडेक्स पे। अब क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू ही है तो ये जाकर स्टोर हो जाएगी एआरजीएस जीरो पे। आउटपुट वुड बी हेलो सचिन अमित फॉलोड बाय बाय। क्लियर? अच्छा, और अगर मैं रन करते वक्त यहां सुमित और लिख दूं तो क्या होगा? एनी चेंज इन द आउटपुट या आउटपुट विल रिमेन सेम? एनी चेंज? या नो चेंज, आउटपुट अभी भी सेम रहेगा। सुमित कहां जाकर स्टोर होगा? सुमित कहां जाकर स्टोर होगा? एआरजीएस जीरो में के वन में? एग्जैक्टली, सुमित विल बी स्टोर्ड इन एआरजीएस वन। ओके, और इफ आई रिमूव दिस डबल कोट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड क्लोज इट हियर देन व्हाट विल हैपन? अगर मैं डबल कोट को यहां बंद कर दूं सुमित के बाद तो क्या होगा? आउटपुट विल बी एग्जैक्टली सचिन अमित सुमित प्रीफिक्स विद द वर्ड हेलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो डबल कोट के अंदर पास करी गई वैल्यूज, डबल कोट्स में पास करी गई वैल्यूज हमेशा सिंगल स्ट्रिंग मानी जाती हैं। ये एक सिंगल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होंगी और एक सिंगल इंडेक्स पे जाकर स्टोर होंगी। एवरीवन इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? शैल आई प्रोसीड? गुड, वेरी गुड। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पे जिसके बारे में कल भी हल्की सी बात अपने की थी, आज अपन उसको थोड़ा डिटेल में लेते हैं। मान लीजिए अब मैं न्यूमेरिक वैल्यू पास करना चाहता हूं। अभी तक मैं क्या पास कर रहा था? सचिन अमित सुमित, व्हाट आर दे फॉर जावा? एग्जैक्टली, दे ऑल आर स्ट्रिंग्स। ओके, अब मान लीजिए मैं दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाना चाहता हूं। लेट्स से मैंने लिखा क्लास एड नंबर्स। ध्यान से देखिएगा, क्लास मैंने बनाई बाय द नेम ऑफ एड नंबर्स, राइट? उसके बाद मैंने जस्ट अ मोमेंट, वीडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है। वीडियो आ रहा है आप लोगों को? ऑडियो इज ब्रेकिंग? ओके ओके, थोड़ा सा ग्लिच आएगा, वो कभी कभी इंटरनेट के कारण होता है। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है? दीपक ऑडियो क्लियर है? ओके, चलिए अब अपन कोड ट्रेस करते हैं। तो मैंने क्लास बनाई बाय द नेम ऑफ एड नंबर्स। ओके, मैंने कहा फर्स्ट नंबर इज एआरजीएस जीरो, सेकेंड नंबर इज एआरजीएस वन, और इनका सम प्रिंट करने की कोशिश करी बाय यूजिंग द ऑपरेटर प्लस। ठीक, अब मैंने कोड को रन ऐसे करा। आप आंसर टाइप करिए अपनी अपनी चैट विंडो में इस तीसरे वाले प्रिंटलाइन का, बाकी दोनों छोड़ दीजिए। इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली दीपक, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आएगा 10 और 20 के बीच में स्पेस नहीं आएगी श्रीनिवास, आप नोटिस करो, बिल्कुल इंटैक्ट आएंगे ये, एकदम एक दूसरे के साथ चिपके हुए, दे वोंट बी एनी गैप बिटवीन 10 एंड 20। सो आउटपुट विल बी देयर सम इज 1020। आप समझते हैं ऐसा क्यों है? अपने पुराने लेक्चर्स आप याद करिए और मुझे बताइए व्हाट इज देयर सम इज, ये जावा के लिए क्या है देयर सम इज? ना ना, देयर सम इज, देयर सम इज, कंकैटेशन ऑपरेटर तो प्लस हुआ, देयर सम इज क्या है जावा के लिए? ये जावा के लिए, बिल्कुल सही, ये जावा के लिए एक स्ट्रिंग है, राइट? एआरजीएस जीरो क्या है जावा के लिए? एआरजीएस जीरो भी जावा के लिए एक स्ट्रिंग है, बिल्कुल सही। अब यहां आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना यह देखते हुए कि हमने पास 10 कराया। आप पास कुछ भी करें, कुछ भी करें, क्योंकि एआरजीएस की टाइप स्ट्रिंग है, जावा ने इसको स्ट्रिंग करा हुआ है, तो हर वैल्यू जो आप यहां से पास करेंगे जावा उसे ट्रीट करेगी एज इफ इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो जावा के लिए वो स्ट्रिंग है। तो देयर सम इज स्ट्रिंग हुआ, एआरजीएस जीरो एक स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग जावा में रिजल्ट आएगा इन दोनों के एडिशन का स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग एक बार फिर प्लस होगी, जैसे ये दोनों प्लस हुए थे ऐसे ये प्लस होगी विद एआरजीएस वन विच इट सेल्फ इज अगेन अ स्ट्रिंग, और ये दोनों एड हो जाएंगे तो फिर रिजल्ट जनरेट होगा एज इफ द एंटायर रिजल्ट इज स्ट्रिंग। तो डिस्प्ले करने पर बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करा आप सभी ने, आउटपुट वुड बी, लास्ट लाइन ऑब्जर्व करिए, देयर सम इज
1020. क्लियर? तो प्रॉब्लम यह है कि हम कोई भी वैल्यू कंसोल या कमांड विंडो से पास करें, लिसन केयरफुली, कुछ भी पास करें, जावा विल ऑलवेज 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 ट्रीट देम टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ओके, अब मैं एक सॉल्यूशन देता हूं. आपने अगर पुराने लेक्चर्स करें तो बताइएगा सही के गलत. तो क्यों अपन ऐसा नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अपन स्ट्रिंग हटाकर यहां इंट कर दें? कांट आई डू दिस? यस और नो? एब्सोल्यूटली नॉट पॉसिबल. रीजन हमने फर्स्ट प्रोग्राम समझते वक्त समझा था कि जावा कंपाइल नहीं होगा. शालू गलत बोला, कंपाइल होगा. आप भूल रहे हो, कंपाइल होगा, रन नहीं होगा. कंपाइल होगा, कंपाइल होने में कोई दिक्कत नहीं है. कंपाइल तो ये तब भी होगा जब आप यहां कुछ भी नहीं लिखोगे. शालू आर यू गेटिंग? इस बार आंसर गलत हो गया. कंपाइल भी नहीं होगा इज रॉन्ग. कंपाइल होगा. जावा ने कभी नहीं कहा कि कंपाइलर को मेन में स्ट्रिंग चाहिए. जावा ने यह भी नहीं कहा कि कंपाइलर को मेन चाहिए. मैं तो कह रहा हूं मैं मेन हटा दूं, हटा दूं ये मेन, मेन की जगह मैं अपना नाम लिख दूं सचिन. कंपाइल होगा कि नहीं होगा? विल इट कंपाइल और नॉट? यस कंपाइल होगा. रन नहीं होगा बिकॉज रन करने के लिए जावा को चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS नाम से बना हुआ पूरा पूरा मेन फंक्शन. इज इट क्लियर? तो पहला सॉल्यूशन तो रूल आउट हो गया, हम स्ट्रिंग की जगह इंट नहीं लिख सकते. अच्छा दूसरा सॉल्यूशन, विल दिस वर्क? ये तो रीजन है जो आपने अभी अभी समझा. आप मुझे बताओ विल दिस वर्क? पुराना प्रोग्राम वापस में खोल रहा हूं मैं. ये जो ARGS 0 और 1 है इनको पैरेंथेसिस में ले लूं तो बाहर ऑफकोर्स प्लस है, इनके ऊपर पैरेंथेसिस लगा दूं, अभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी? यस और नो? प्रॉब्लम सॉल्व होगी? यस और नो? श्रीनिवास नो कह रहा है, विकास का कहना भी नो है. व्हाट अबाउट अदर्स? शालू प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल सही. रीजन, अगर हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो हम जावा को ये बोल रहे हैं पहले वो इस वाले प्लस को चलाए. ठीक है, वो इस वाले प्लस को चलाएगी. नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं चलेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा शालू. इस बार पैरेंथेसिस लग गया ना, पैरेंथेसिस लगने के कारण पहले अंदर वाला प्लस सॉल्व होगा. ओके, अब पहले अंदर वाला प्लस जब सॉल्व होगा तो आप मुझे बताइए अभी भी ARGS 0 क्या है? इट इज स्टिल अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ARGS 1 इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग. तो अभी भी तो जावा इस प्लस को कंकैटिनेशन के लिए ही यूज करेगी, ना कि एडिशन के लिए. अभी भी जावा इसका मतलब कंकैटिनेशन ही लेगी. इज इट क्लियर? इसलिए पैरेंथेसिस लगाकर भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जावा का नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज बेटर नोन एज रैपर क्लासेस. आप बस लास्ट पैरा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा अपन क्या करने जा रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. रीड द लास्ट पैरा. वी हैव टू कन्वर्ट दिस 10. ये कैसा है? वॉट काइंड ऑफ वैल्यू इज दिस 10? ये 10 कैसी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जावा में? एग्जैक्टली, दिस इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग. इसको इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये 10 ऐसा 10 बन जाए. ये 10 कैसा है? दिस 10 इज एग्जैक्टली अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट. तो आज हम पहली बार सीख रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एन इंट. या मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे सोचते हैं, तो मैं पहले बता दूं ताकि आप गलत ना सोचें. उनको लगता है व्हाई नॉट डू दिस, हम एक इंट वेरिएबल ए ले लें इज इक्वल टू, यहां कह दे इंट फॉलोड बाय ARGS 0. यानी अपन जावा को बोल दें ARGS 0 को इंट में कन्वर्ट कर दो. याद रखें ये कंपाइल भी नहीं होगा, दिस विल प्रोड्यूस सिंटेक्स एरर. कारण ये जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये टेक्निक ये सिर्फ वेरिएबल्स के लिए काम करती है. अगर आपको याद हो तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और ये सिंटेक्स एरर है
अगर आप इसे यूज करते हैं विद स्ट्रिंग टू कन्वर्ट इनटू एन इंट। इसलिए ये सॉल्यूशन अगर दिमाग में आ भी रहा होगा तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम का जो जावा का ऑफिशियल सॉल्यूशन है वो ये है कि आप जावा में यूज करें स्पेशल स्पेशल क्लासेस विच आर कॉल्ड एज रैपर क्लासेस। अब पढ़ते हैं अपन स्लाइड में व्हाट आर रैपर क्लासेस। जावा में आपको याद होगा हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? जावा हैज 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, अब इन 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के करस्पॉन्डिंगली जावा ने बिल्कुल उतनी ही एग्जैक्टली 8 क्लासेस बनाई हैं और इन क्लासेस को जावा में नाम दिया गया है रैपर क्लासेस। राइट, सो पहला पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज करस्पॉन्डिंग टू 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा हैज गिवन अस 8 प्री डिफाइंड क्लासेस एंड दीज प्री डिफाइंड क्लासेस इन जावा आर बेटर नोन एज रैपर क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, ये सारी क्लासेस java.lang में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ के नाम आपके सामने हैं। इंटीजर, दिस इज द रैपर क्लास फॉर द डेटा टाइप इंट। सिमिलरली कैरेक्टर, रैपर क्लास फॉर द डेटा टाइप कैर। फ्लोट, रैपर क्लास फॉर द डेटा टाइप फ्लोट। डिफरेंस गौर से देखिएगा इस एफ और इस एफ में, ये एफ स्मॉल है, जब एफ स्मॉल हो जाएगा तो ये डेटा टाइप बन जाएगी, जब एफ कैपिटल हो जाएगा तो ये बन जाएगी एक क्लास। अब इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन, बताइए जावा में व्हाट इज दिस फ्लोट एक्स, ये क्या डिक्लेयर करा आपने, व्हाट इज एक्स, क्या बुलाओगे आप? एग्जैक्टली ट्रू, एक्स इज अ वेरिएबल। बट अगर आपने एफ बड़ा कर दिया, कैपिटल एफ लेकर आपने कहा फ्लोट एक्स, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा और जावा में यह बनेगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अभी रेफरेंस वर्ड का मतलब छोड़ दीजिए, आप अभी सिर्फ फोकस करिए ऑन द वर्ड ऑब्जेक्ट। राइट, हालांकि यह गलत है कहना कि ऑब्जेक्ट बनेगा, आप थोड़ी आज देर में, आज नहीं तो अगले लेक्चर में समझोगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस और ऑब्जेक्ट का फर्क क्या है। बट एटलीस्ट इतना मानिए, आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि यह एक वेरिएबल है, यह वेरिएबल नहीं है क्योंकि फ्लोट यहां पर डेटा टाइप नहीं है, फ्लोट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को, जबकि ये वाला फ्लोट जावा में रिप्रेजेंट करेगा द वर्ड डेटा टाइप। इज इट क्लियर? परफेक्टली क्लियर? राइट, तो अब एक क्वेश्चन बताइए, कैन आई से स्ट्रिंग इज अ रैपर क्लास? व्हाट डू यू से? ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? स्ट्रिंग इन जावा इज अ रैपर क्लास, स्टेटमेंट ट्रू के फॉल्स? एब्सोल्युटली फॉल्स। रीजन, जावा में कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग के नाम से नहीं है। राइट, स्ट्रिंग किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप की क्लास नहीं है। रैपर क्लासेस वो होती हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम पे हैं। अब मैं आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम बता दूं, याद दिला दूं आपको, आई होप ध्यान तो होंगे स्टिल। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम लेकर अगर अपन चले तो वी हैव बाइट, वी हैव शॉर्ट, वी हैव इंट, वी हैव लॉन्ग, देन वी हैव फ्लोट, डबल, कैर एंड वी हैव बूलियन। ऑल 8 ऑफ देम इन जावा वी कॉल देम प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है स्ट्रिंग, तो फिर स्ट्रिंग रैपर कैसे हो सकती है? क्लियर दीपक? ओके, राइट, तो ये रैपर क्लासेस हैं, कुछ के नाम मैंने लिखे हैं, बाकी पूरी लिस्ट आपको अभी देता हूं। ओके, और इसमें आप नोटिस भी करिए, जो फर्स्ट लेटर है रैपर क्लास में वो अपर केस में होता है, जबकि डेटा टाइप के केस में वही लेटर होता है लोअर केस में। इट्स अ वेरी गुड इंटरव्यू क्वेश्चन इन जावा दैट हाउ दिस फ्लोट इज डिफरेंट देन दिस फ्लोट। दिस इज अ वेरिएबल
एंड दिस इज अ क्लास, तो ये एक्स बन जाएगा अपने आप में एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस. अभी क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तो आप कैजुअल वे में बोल सकते हो इट इज ऑब्जेक्ट. आगे बढ़ू, शैल आई प्रोसीड? ओके, अब बात करते हैं जावा में रैपर क्लासेस का यूज क्या होता है. रैपर क्लासेस किस लिए यूज होती हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड पर समझा दूं, फिर स्लाइड्स को ट्रेस करते हैं. जावा में रैपर क्लासेस मेनली दो पर्पजेस के लिए यूज की जाती हैं. किसी भी रैपर क्लास का जावा में दो तरीके से यूज होता है. सबसे पहला यूज, वॉच केयरफुली, कन्वर्टिंग वेरिएबल्स टू ऑब्जेक्ट्स. छोटा सा मैं आपको एक डेमो देता हूं इसका मतलब क्या है, जस्ट अ मोमेंट. अब आप बताइए मुझे, इंट ए इज इक्वल टू 10, एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने जावा में लिखा. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस ए, व्हाट इज दिस ए इन जावा? राइट, एब्सोल्यूटली करेक्ट, दिस ए इज कॉल्ड एज वेरिएबल. ये एक वेरिएबल हुआ जावा में. ओके, सपोज करिए मैं चाहता हूं इसे मैं कन्वर्ट कर दूं एक ऑब्जेक्ट में. अब ये बिल्कुल मत सोचेगा सर क्यों, वेरिएबल रहने में क्या दिक्कत है, वो हम आगे पढ़ेंगे. बस इतना समझ लीजिए, मुझे एक वेरिएबल को अपग्रेड करना है, एनहांस करना है और कन्वर्ट कर देना इनटू एन ऑब्जेक्ट. ये फैसिलिटी जावा मुझे देती है रैपर क्लास से. अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इंटीजर ओबीजे इज इक्वल टू ए. अब नोटिस करिए, ये ए जब ओबीजे को असाइन होगा तो ये जो ओबीजे है ये अपने आप में इस वेरिएबल को कन्वर्ट करवा देगा इनटू एन ऑब्जेक्ट. इज दिस क्लियर? इसका फायदा मत सोचिएगा, इससे बेनिफिट क्या हुआ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. टू कन्वर्ट अ वेरिएबल इनटू एन ऑब्जेक्ट वी यूज द रैपर क्लास विच इन दिस एग्जाम्पल इज बींग यूज एज इंटीजर. इज दिस क्लियर? यस और नो? एनी क्वेरीज, एनी डाउट? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अगर एग्जैक्टली अपने वर्ड्स पे जाऊं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बिल्कुल. बट अभी के लिए अपने डिफरेंस नहीं पढ़ा है ना शालू, तो अपन इग्नोर करते हैं, जस्ट ट्रीट इट टू बी एन ऑब्जेक्ट. जब डिफरेंस पढ़ लेंगे, जस्ट मोमेंट, बटन. अभी अपन ने डिफरेंस पढ़ा नहीं है ना, इसलिए इसको अपन आगे क्लियर करेंगे कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ. क्लियर? अभी बस आप इतना ध्यान दो कि इंट ए इक्वल टू 10 बोलने से श्रीनिवास बताऊंगा मैं आपको, आपका डाउट मैं दूर करूंगा अभी. राइट, आज और कल ये दो लेक्चर में हम इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे. आप जस्ट एक लेक्चर और रुक जाइए, फिर मैं जरूर समझाता हूं इन दोनों में क्या डिफरेंस है. क्लियर? अभी आगे बढ़ूं? ओके, तो आप बस अभी इतना ध्यान दीजिए कि जावा में राइटिंग इंट ए इक्वल टू 10 विल मेक ए अ वेरिएबल, बट राइटिंग इंट ओबीजे इक्वल टू ए विल कन्वर्ट दैट वेरिएबल इनटू एन ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये पहला काम है जो रैपर क्लास से हम करते हैं, ये हम लेटर स्टेज में करेंगे, आगे चलकर हम इसका अच्छे से यूज करेंगे, तब आपको मैं इसका फायदा भी बताऊंगा और तब जो श्रीनिवास ने डाउट पूछा कि उसका भी डिफरेंस मैं आपको क्लियर करूंगा. ठीक, अभी आते हैं रैपर क्लास के दूसरे यूज पे जो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है. समझिएगा ध्यान से, द सेकेंड यूज इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ रैपर क्लास. वो क्या है आप बताइए, व्हाट इज दिस 10? दिस 10 इज, ये 10 क्या है जावा के लिए? एग्जैक्टली, दिस 10 इज अ स्ट्रिंग. ओके, मैं चाहता हूं ये 10 ऐसा कन्वर्ट हो जाए, यानी ये कन्वर्ट हो जाए इनटू एन इंट. ओके, तो जितनी भी जावा में रैपर क्लासेस होती हैं, इन रैपर क्लासेस के पास जावा ने एक खास मेथड दिया है जिसका नाम होता है पार्स, और पार्स के आगे मैं जनरल टर्म्स लिख रहा हूं एक्सएक्सएक्स. अभी जो एक्सएक्सएक्स है ये एक्चुअली डेटा टाइप के नाम से रिप्लेस हो जाएगा, जैसे कि आईएनटी, जैसे कि डबल,
जैसे कि फ्लोट एंड सो ऑन, राइट। तो हर रैपर क्लास के पास एक स्पेशल मेथड होता है जिसका नाम होता है पार्स। एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं इंटीजर के पास होता है पार्स आईएनटी, इधर लिख देता हूं मैं, इंटीजर क्लास के पास मेथड होता है कॉल्ड एज पार्स आईएनटी, फ्लोट के पास मेथड होता है कॉल्ड एज पार्स फ्लोट, डबल के पास मेथड होता है कॉल्ड एज पार्स डबल। ऐसे आपको अभी मैं पूरा चार्ट दिखाता हूं, अभी डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस सुन लीजिए। ये जो पार्स आईएनटी मेथड होता है ये आपसे लेता स्ट्रिंग है, गौर कीजिए, ये वाला 10 लेगा और इस 10 को इस 10 में कर देगा कन्वर्ट। यानी आप कह सकते हैं रैपर क्लासेस का दूसरा मेजर यूज होता है, टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप। स्ट्रिंग को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करना रैपर क्लासेस का दूसरा मेजर काम होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये कन्वर्जन करती कैसे हैं। सुनिए अच्छे से, ध्यान से, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉल आप मुझे बताएंगे। ये जो इंटीजर क्लास है जावा में, वॉच केयरफुली, ये जो इंटीजर रैपर क्लास है इसके पास जैसा मैंने कहा एक मेथड है जिसका नाम है पार्स आईएनटी। क्लियर? इंटीजर क्लास का बिल्ट इन मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है। जैसे आप याद करें आपने लास्ट लेक्चर में मैट डॉट पाव यूज करा था, बिल्कुल ऐसे पार्स आईएनटी है, राइट। सो पार्स आईएनटी इट्स अ प्री डिफाइंड मेथड। ये मेथड आर्ग्यूमेंट में आपसे लेता है स्ट्रिंग। ये मेथड कहता है मेरे को आप स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट पास करो, ओके? और इस स्ट्रिंग को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू इंट। क्लियर? तो टेल मी व्हाट इज दिस इंट ट्राइंग टू रिप्रेजेंट। ये इंट है पार्स आईएनटी की रिटर्न टाइप, ये इसकी रिटर्न टाइप है, राइट। और ये जो स्ट्रिंग है, ये पार्स आईएनटी का है आर्ग्यूमेंट, राइट। तो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेता है और इंट वैल्यू में इसे कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर अपन इसे पास करते हैं, सपोज कीजिए ये वाला 10, ऐसा वाला 10, तो ये अपन को रिटर्न कर देगा ऐसे। इज दिस क्लियर? यस, ओके। अब आपसे मेरा क्वेश्चन, ध्यान से, हां ध्यान से, वेरी केयरफुली, ये जो पार्स आईएनटी है ये किसका मेथड है, किस क्लास का प्री डिफाइंड मेथड है? इंटीजर क्लास। परफेक्ट आंसर, इंटीजर क्लास। सो नाउ टेल मी बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर्स नॉलेज, मुझे इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पार्स आईएनटी को कॉल करने के लिए, येस और नो? बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? इस बार आपके पास कोई जवाब नहीं होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए डिपेंड करता है ये मेथड स्टैटिक है या नहीं है, ठीक। अब लकीली ये मेथड जावा में स्टैटिक है। मैंने अभी आपको स्टैटिक डिटेल में नहीं पढ़ाया है, बट सिर्फ इतना मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भी मैं आपसे कहूंगा ये मेथड स्टैटिक है, आप हमेशा याद रखना इसका मतलब है नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग दिस मेथड। इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉल कैसे होगा फिर स्टैटिक होने के कारण? कॉल कैसे होगा? कॉल होगा सिंपली बाय यूजिंग द नेम ऑफ द क्लास इंटीजर। एग्जैक्टली। अब इसको कॉल करने का प्रॉपर सिंटेक्स सुनिए, इसको कॉल करने का सिंटेक्स हुआ इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी और ब्रैकेट में आप यहां पास करेंगे अपनी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। लेट्स से आपने ये 10 पास करा, राइट, ये आपसे ये 10 लेगा और इसे रिटर्न करेगा कन्वर्ट करके इनटू इट्स न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन विच वुड बी 10। क्लियर? अब आप बताइए हु इज दिस ए? ए कौन होगा?
एग्जैक्टली तो अगर मैं इस गैप को फिल करूं तो मैंने ए को डिक्लेयर करा होगा एज इंट. आई मस्ट हैव डिक्लेयर्ड ए एज एन इंट टाइप ऑफ वैल्यू. सो ए विल बी अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट जो पार्स int मेथड से रिटर्न होने वाली वैल्यू को कर रहा होगा रिसीव. बिकॉज ये कॉन्स्टेंट नहीं है, इट्स अ वेरिएबल. वेरिएबल ए विल बी अ वेरिएबल. दिस इज इंटीजर वेरिएबल. इज इट क्लियर? ठीक. अब आप बताइए जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट कैसे होगी. अभी हम देख रहे थे ये जो args 0 है हमारे पास, ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ था इस तरह से 10. तो हम इसको यूज करके अगर इंट में कन्वर्ट करें तो मुझे पूरा स्टेटमेंट बोलिए क्या लिखूंगा मैं. कंप्लीट स्टेटमेंट चैट विंडो में राइट करिए. परफेक्ट आंसर शालू, परफेक्ट आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट विकास, एब्सोल्युटली करेक्ट दीपक. श्रीनिवास आपका भी आंसर सही है, बस उसे रिसीव करना पड़ेगा एक वेरिएबल में. सो माय स्टेटमेंट कुड बी इंट एक्स इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int एंड विद इन ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट के तौर पे अपन पास करेंगे args 0. एब्सोल्यूटली करेक्ट, राइट. तो मैं स्लाइड पे वापस आ रहा हूं. तब जो आपने पढ़ा थ्योरेटिकली आप सीखिए. रैपर क्लासेस के दो मेन यूजेस होते हैं, पहला प्रिमिटिव्स को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना, दूसरा स्ट्रिंग वैल्यूज को उनके प्रिमिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, अब पहला यूज देखते हैं. आपने कहा int a इक्वल टू 10, जैसा मैंने कमेंट्स में लिखा है ये एक वेरिएबल बना. अपन चाहते हैं ये अब एक ऑब्जेक्ट में बन जाए. अगर अपन चाहते हैं ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो अपन लिखेंगे integer obj इज इक्वल टू a, राइट. इससे ज्यादा अभी इस स्टेटमेंट के बारे में हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं. बस इतना मान लीजिए ये लाइन वेरिएबल को बना देगी ऑब्जेक्ट. दैट्स दी ओनली थिंग दिस लाइन इज ट्राइंग टू डू. इससे फायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट मिला हमको वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बनाकर, वो हम ऊप स्टार्ट करेंगे जब जावा में डिटेल में तब जरूर पढ़ेंगे. कुछ ऐसी जावा में चीजें हैं जहां ऑब्जेक्ट्स ही काम आते हैं, वेरिएबल्स काम नहीं आते हैं. वहां पर आपको समझ में आएगा ये कन्वर्जन करना क्यों जरूरी होता है. बढ़ू आगे, इज इट क्लियर? ठीक. अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, जो हम आजकल आने वाले दो तीन दिनों तक करते रहेंगे, वो है किसी भी प्रिमिटिव को स्ट्रिंग से उसके नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना वापस, राइट. तो मैंने कहा हर रैपर क्लास के पास स्पेशल मेथड्स होते हैं. इन मेथड्स का फर्स्ट वर्ड पार्स है और जो सेकंड वर्ड है उसके आगे डेटा टाइप का नाम लगा हुआ है. ठीक. अब यहां एक और चीज मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा. वापस अपन व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं. आप अगर ध्यान से नोटिस करें, इन मेथड्स की बात कर रहा हूं, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, इनका आपने नाम लिखने के तरीके को ध्यान से गौर करा? हैव यू ऑब्जर्व? ये जो पी है ये कैसा है, अपर लोअर? लोअर. और ये जो आई है ये कैसा है, कैपिटल. ये जो तरीका आप देख रहे हैं मेथड के नाम रखने का, इसको जावा में बुलाते हैं अपन कैमल नोटेशन. ध्यान दीजिएगा, कैमल नोटेशन, राइट. तो जावा आपको रिकमेंड करती है कि जब भी आप भी अपनी क्लास के मेथड्स के नाम रखें तो मेथड्स के नाम कैमल नोटेशन को फॉलो करते हुए रखें. जैसे मैं आपको जावा का सी से कंपैरिजन करके दिखाता हूं और फिर किसी और लैंग्वेज से भी करते हैं, लेट्स से वीबी से करते हैं. सी में मान लीजिए मैं एक मेथड बनाता हूं कैलकुलेट एवरेज. एज अ सी प्रोग्रामर जनरली आप देखेंगे लोग नाम देंगे कैलक्यूलेट अंडरस्कोर एवरेज. सी में जनरली लोग मेथड का नाम बड़ा होता है तो अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं, राइट.
वीबी जैसी लैंग्वेजेस अगर ली जाएं तो वीबी में ये नाम ऐसे आएगा, कैलक्यूलेट एवरेज, राइट। और जावा को अगर हम फॉलो करें तो जावा रिकमेंड करती है, अगर ये हम बना रहे होते मेथड तो जावा बोलती है आप इसका नाम दीजिए कैलक्यूलेट फॉलोड बाय ए इन अपर केस दैट इज एवरेज। ये जो तरीका आप देख रहे हैं ये तरीका, ये कहलाता है पास्कल नोटेशन। दिस अप्रोच ऑफ गिविंग मेथड नेम्स इज कॉल्ड एज पास्कल नोटेशन। आपको याद होगा पास्कल एक पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो इस तरीके से नाम देती थी, और ये जो तरीका आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कैमल नोटेशन। कन्वेंशन, कन्वेंशन विकास, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। एग्जैक्टली दीपक, परफेक्टली ऑल राइट। पास्कल नोटेशन इज यूज फॉर क्लास नेम इन जावा एंड कैमल नोटेशन इज यूज फॉर मेथड नेम। ये जावा आपको सलाह देती है कि आप ऐसा करें, बाकी अगर आप जावा में ऐसा नाम देना चाहते हैं तो भी चलेगा, ऐसा नाम देना चाहते हैं तो भी चलेगा, राइट। लेकिन अपनी खुद की क्लासेस के लिए और मेथड्स के लिए, जावा अपने खुद के मेथड्स के लिए हमेशा फॉलो करती है कैमल नोटेशन। ये जावा का अपना रूल है। इज इट क्लियर, राइट। तो आप इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप हमेशा इस गलती से बचेंगे कि ये चीज क्लास है कि ये चीज मेथड है, क्या है, क्लियर। जैसे आप मुझे बताइए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बिग इंटेजर, क्या लगता है आपके सामने मैंने किसका नाम लिखा है, क्या हो सकता है ये अपने, एग्जैक्टली दिस इन जावा इज क्लास। अच्छा, फॉर नेम क्या होगा ये जावा में, गेस करिए, पैरेंथेसिस आइए, दिस इन जावा इज द नेम ऑफ अ मेथड। तो ये छोटा सा आइडेंटिफिकेशन है जिससे प्रोग्रामर पहचान सकता है कौन सी चीज एक क्लास है, कौन सी चीज एक मेथड है, क्लियर। ऐसे आप रिकॉल करिए प्रिंट एलेन, प्रिंट एलेन, दिस इज मेथड। व्हाई? बिकॉज मेथड नेम्स दे ऑलवेज बिगिन विथ लोअर केस, दे ऑलवेज बिगिन विथ लोअर केस। और अगर नाम में मल्टीपल वर्ड्स हैं तो अगले वर्ड का पहला लेटर जावा अपर करती है। इज दिस क्लियर? शैल आई प्रोसीड? ओके। अब क्योंकि ये सारे पार्स मेथड्स स्टैटिक होते हैं तो ये डायरेक्टली कॉल करे जा सकते हैं यूजिंग नेम ऑफ द क्लास। जैसे पार्स आंटी अपन ने समझा, आप सीरियसली कॉल कर सकते हैं इंटीजर डॉट पार्स आंटी, पार्स आंटी को आप पास कर सकते हैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू और वो उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू इंट, राइट। अब अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहें मेथड्स की तो ये है। इसमें नोटिस करिए एक अनयूजुअल बात दिखेगी, ये पूरी रैपर क्लासेस की लिस्ट है और ये उसके सारे पार्स मेथड्स हैं। कुछ अनयूजुअल बात दिख रही है? ऑब्जर्व इट। एग्जैक्टली, देयर इज नो पार्स कैर मेथड अवेलेबल। तो ये अभी हम पेंडिंग रखते हैं कि जावा में कैरेक्टर का कन्वर्जन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, इसको हम आगे सीखेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा पार्स कैर करके कोई मेथड नहीं होता है, बाकी सबके लिए पार्स मेथड अवेलेबल है। पार्स इंट, पार्स शॉर्ट, पार्स बाइट, पार्स लॉन्ग, पार्स फोर, पार्स डबल एंड पार्स बुलियन। अच्छा, और इनकी रिटर्न टाइप्स क्या क्या होंगी? जैसे गेस करिए व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू पार्स इंट विल गिव, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू पार्स इंट विल गिव। एग्जैक्टली, इट विल गिव इंट। एंड लेट्स से व्हाट अबाउट पार्स बुलियन, पार्स बुलियन कैसी वैल्यू देगा? दिस विल गिव अ वैल्यू ऑफ टाइप बुलियन। एग्जैक्टली, तो जो डेटा टाइप का नाम है वो इनकी रिटर्न टाइप है। और आर्ग्यूमेंट में इन सब का आर्ग्यूमेंट कॉमन है, याद रखिएगा ये सब आर्ग्यूमेंट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रिंग।
क्लियर? तो अब आप बताइए, कैन यू राइट डाउन द इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ दिस कोड? इस कोड का करेक्ट वर्जन लिख सकते हैं आप लोग? चैट विंडो में लिखिए इसी कोड का करेक्ट वर्जन। क्लास और मेन वगैरह छोड़कर सिर्फ जो अंदर वाला पार्ट है उसे लिखिएगा। ट्राई डूइंग दिस। ओके, गुड, वेरी गुड दीपक। बिल्कुल सही। बस एक पैरेंथेसिस क्लोजिंग में ज्यादा लगेगा दीपक, एक पैरेंथेसिस क्लोजिंग में ज्यादा लगेगा, एक प्रिंटलाइन का पैरेंथेसिस भी बंद होगा। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड श्रीनिवास, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। अब इसी को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में करा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, इसी कोड का सिंप्लीफाइड वर्जन। राइट, आप लोगों ने डायरेक्ट करा है वो ज्यादा बेटर भी है, मेमोरी कम लगेगी। मैंने कोड को सिर्फ सिंपल रखने के लिए ऐसे करा है। बिल्कुल विकास, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। राइट, बस ध्यान देने वाली बात ये दो लाइनें हैं। क्लियर? सो अपन ने इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी लिखा। हाँ शालू, आपका आंसर क्या है? परफेक्ट, बिल्कुल सही, परफेक्ट। राइट, तो ध्यान देने वाली बस ये दो लाइनें हैं। इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी करके अपन ने एआरजीएस जीरो पास करा, वो कन्वर्ट होकर ए में आ गया, ऐसे ही वन पास करा तो बी में आ गया, बाकी तो सिंपल सी मैथ्स है। राइट, अब ये प्लस क्या कर रहा है बताइए, व्हाट दिस प्लस इज डूइंग? जावा की वोकैबुलरी में क्या बोलोगे? दिस इज परफॉर्मिंग एडिशन, राइट, एंड दिस प्लस इज परफॉर्मिंग कंकैटिनेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट राइट, परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ू, शैल आई प्रोसीड? ठीक है, अब प्रोग्राम का ये एग्जीक्यूशन पार्ट है। अपने रन करते वक्त पास करा 5 और 10, 5 कहां गया? 5 किस में जाकर स्टोर हुआ? एआरजीएस 0, गुड। और एक और बार, यहां 5 आपको नॉर्मल दिख रहा है ना, लेकिन जावा के लिए हाल फिलहाल ये 5 ऐसा 5 है। Why? Because this is being passed as argument to ARGS 0. ये 5 as a string pass हो रहा है, ये जावा अपने लेवल पे इंटरनली से स्ट्रिंग बना दे रही है, इसलिए वापस इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा है इंटू इंट, और ए में जब ये रिटर्न होकर लौटेगा तो ये बनेगा ये वाला 5. इज दिस क्लियर? ये ARGS 0 में भी अभी भी ये स्टोर्ड है एज 5 इन दिस फॉर्म। ओके, राइट, अब नेक्स्ट केस। बताइए आउटपुट।
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट गेस करिए. ओके श्रीनिवास, श्रीनिवास का कहना है एक्सेप्शन आएगी. बाकी लोग क्या कह रहे हैं? जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप गेस करिए, ट्राई आंसरिंग दैट. क्या लगता है आपको जावा भोपाल देखेगी तो क्या कर सकती है? बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, बहुत ज्यादा सोचेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. लाइन नंबर 7. ओके दीपक, बिल्कुल सही. श्रीनिवास एंड दीपक, यू बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट. जावा यहां तक तो आपके कोड को आराम से चला देगी, बट ये लाइन जैसे ही चलेगी जावा विल थ्रो एक्सेप्शन. रीजन इसका ये है, ये जो पार्स आईएनटी मेथड है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्स आईएनटी मेथड है ये स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसका रेस्ट्रिक्शन है स्ट्रिंग शुड ओनली ओनली, इस पर खास जोर दे रहा हूं मैं, कंटेन डिजिट्स. स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए. अब एक्सेप्शन कौन सी आएगी उसका नाम भी सुन लीजिए. एक्सेप्शन के नाम आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने कहा इसके आगे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जो आपके स्क्रीन पे एक्सेप्शन फ्लैश होगी उसका जावा में नाम है नंबर फॉर्मैट एक्सेप्शन. स्क्रीन के ऊपर ही लिखा हुआ आपको मिलेगा नंबर फॉर्मैट एक्सेप्शन. देखने के लिए ये इसका पॉसिबल आउटपुट है, चेक करिए ध्यान से. जावा आपको स्क्रीन पे लिख कर देगी नंबर फॉर्मैट एक्सेप्शन. हालांकि थोड़ा सा आउटपुट इसमें गलत दिख रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है फर्स्ट नंबर इज 10 प्रिंट हो रहा है. वो प्रिंट तभी होगा, आप बताइए प्रिंट होगा फर्स्ट नंबर इज 10, ये मैसेज प्रिंट होगा? अब नहीं होगा. ये तभी प्रिंट होगा अगर प्रोग्रामर, एक तो ये सिस्टम है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ये तभी प्रिंट होगा अगर प्रोग्रामर ये वाला println यहां पे डाल दे, राइट बिटवीन ए एंड बी. अभी क्लियर है? अगर ये println मैं ए के जस्ट बाद डाल दूं तो प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज 10. इज इट क्लियर? ये println अगर बीच में आएगा तो जरूर प्रिंट होगा, राइट. तो आउटपुट में सिर्फ आप एक्सेप्शन वाली लाइन को ध्यान से फोकस करिए, ठीक है. तो आपको जावा सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंट करके दे देगी नंबर फॉर्मैट एक्सेप्शन, और वो आगे मैसेज भी दे रही है कि उसे समझ में नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल द वर्ड भोपाल. क्लियर? अब ये भोपाल तो मैंने बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ी वैल्यू पास कर दी, नोटिस करिए. ये तो पहले रीजन है, जो पार्स आईएनटी है इट कैन ओनली एंड ओनली वर्क विद स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डिजिट्स, ये इसका रेस्ट्रिक्शन है. अदरवाइज ये थ्रो कर देगा एक्सेप्शन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. अब समझने वाली बात यह है कि भोपाल की जगह पर हम अगर ये भी पास करते तब भी जावा एक्सेप्शन दे देती. कैन यू गेस वाई? ये 20.5 में प्रॉब्लम क्या है? 20.5 में प्रॉब्लम ये पॉइंट है, ये पॉइंट प्रॉब्लमैटिक है जावा के लिए. क्लियर? अब अगर आपको लगता है हमें डेसिमल वैल्यूज लेनी हो और उन्हें ऐड करना हो तो फिर आप यूज करिए पार्स फ्लोट या पार्स डबल. जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहां 20.5 पास करा है तो भी जावा ने जनरेट कर दी है एक्सेप्शन. अब अगर आपको लगता है आपको 20.5 को ऐड करना है तो फिर आप यूज करिए पार्स फ्लोट या फिर यूज करिए द मेथड कॉल्ड एज पार्स डबल. कैन यू गेस किसके मेथड हैं ये? अभी देखा था आपने पार्स फ्लोट बिलोंग्स टू विच क्लास? इंटीजर क्लास. एग्जैक्टली, पार्स फ्लोट बिलोंग्स टू फ्लोट क्लास, पार्स डबल बिलोंग्स टू डबल क्लास, राइट. और ये दोनों तरह की वैल्यूज ले लेगा, इंटीजर वाली भी और डेसिमल वाली भी. लेकिन ये भी थ्रो करेगा एक्सेप्शन अगर आपने पास करा भोपाल 10A, तो ये दोनों मेथड्स भी थ्रो करेंगे एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इनमें भी कॉमन आएगी, दोनों ही कॉमन एक्सेप्शन देंगे जो आपने अभी अभी सुनी, नंबर फॉर्मैट एक्सेप्शन, सेम एक्सेप्शन ये भी देंगे.
क्लियर? ठीक, अब इसका एग्जांपल आप लोग ट्राई करिएगा कि अगर हमको पार्स फ्लोट और पार्स डबल यूज करना हो तो कैसे अपने कोड के अंदर अपन यूज करेंगे, राइट? इज इट क्लियर? चलूं आगे, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? ओके, तो दिस कंप्लीट्स आवर सिक्स्थ लेक्चर शेड्यूल. अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो ऑन टू सेवेंथ पार्ट. चलिए अब आगे लेते हैं. अब आज अपन को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है, द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग. सबसे पहली चीज जो आज हम समझते हैं, लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, एक्चुअल में मुझे आपको स्ट्रिंग पढ़ानी है ना, क्योंकि आगे के प्रोग्राम्स के अंदर स्ट्रिंग्स के हम बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी चीजें यूज करने वाले हैं. बट आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपन लेते हैं रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक, अब उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं अबाउट हाउ डू वी क्रिएट अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन C++. राइट, ध्यान से सुनिएगा, C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं. सो टेल मी, C++ के अंदर अगर मैंने कहा क्लास स्टूडेंट, ओके, कर्ली ब्रेस ऑन करा, अंदर लिखा मैंने इंट रोल, राइट, कैर ग्रेड एंड फ्लोट परसेंटेज, ये मैंने लिखा C++ में, सपोज करिए, राइट, ये C++ में क्लास बनाने का जनरल सिंटेक्स हुआ. आप बताइए हाउ विल आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. इस क्लास का ऑब्जेक्ट C++ में अपन कैसे बनाते हैं? ट्राई आंसरिंग दिस, हाउ विल वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट. परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर. C++ में अपन इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय राइटिंग द स्टेटमेंट स्टूडेंट एस. ओके, अब मुझे बताइए व्हाट इज दिस स्टूडेंट कॉल्ड एज. ये स्टूडेंट अपने आप में क्या है? स्टूडेंट इन इटसेल्फ इज नोन एज क्लास, और एस ये जो बन रहा है ये C++ में, ध्यान दीजिएगा जावा में नहीं, C++ में कहलाएगा ऑब्जेक्ट. गुड, अब ये बताइए जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, व्हेन दिस स्टेटमेंट विल रन, मेमोरी में क्या होगा? मेमोरी में क्या डायग्राम बनेगा? हाउ मेनी बाइट्स विल बी एलोकेटेड? एग्जैक्टली, अगर हम ये मान लें कि इंटीजर 2 byte का स्पेस लेता है, कैरेक्टर 1 byte की स्पेस लेता है, फ्लोट 4 byte की स्पेस लेता है, तो जैसे ये स्टूडेंट एस वाला स्टेटमेंट रन होगा, C++ मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगी जिस ऑब्जेक्ट का नाम पड़ जाएगा एस, राइट. इस ऑब्जेक्ट के अंदर कंपाइलर करेगा 3 partitions, एक का नाम वो देगा रोल, एक का नाम वो देगा ग्रेड, एक का नाम वो देगा अपनी तरफ से परसेंटेज, राइट. और ये जो पूरा आप बनावा देख रहे हैं 7 byte का, ये C++ की वोकैबुलरी में, जैसा कि आपको याद होगा अभी अभी हमने पढ़ा भी, कहलाएगा ऑब्जेक्ट. ये क्लियर है? अगर C++ के कॉन्सेप्ट आपको याद हो तो, इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, और ये जो अंदर वैल्यूज आएंगी, इफ यू कैन रिमेंबर,
इन तीनों के अंदर हाल फिलहाल जो वैल्यूज आएंगी ये अनप्रिडिक्टेबल वैल्यूज होंगी एंड वी कॉल दीज वैल्यूज एज गार्बेज वैल्यूज। यानी सी प्लस प्लस के अंदर जब भी हम क्लास बनाते हैं सबसे पहले अपन क्लास कीवर्ड लिखते हैं, क्लास कीवर्ड के बाद क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास के नाम के बाद कर्ली ब्रेस ओपन करके अंदर डेटा मेंबर्स बनाते हैं, तीनों कहलाएंगे क्लास के डेटा मेंबर्स। इन्हीं डेटा मेंबर्स को आप और एक नाम देते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में कल स्लाइड्स में पढ़ाऊंगा, आज सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। इन्हीं डेटा मेंबर्स को अपन बुलाते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट। तो ये क्लास बन गई, ये पूरी पूरी एक क्लास हो गई, दिस कंप्लीट थिंग इज अ क्लास। ये क्लास के अंदर के डेटा मेंबर्स हो गए, ये क्लास का नाम हो गया, दिस इज नेम ऑफ द क्लास। एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्लास का क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? ये सी प्लस प्लस का ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवाया है। अब आइए हाउ जावा हैंडल्स दीज थिंग्स, वॉच वेरी वेरी केयरफुली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जावा। जावा में भी जब अपन क्लास बनाएंगे तब हम लिखेंगे क्लास स्टूडेंट, राइट। कर्ली ब्रेस ऑन होगा, इंट रोल कैर ग्रेड एंड फ्लोट परसेंटेज, कर्ली ब्रेस बंद हो जाएगा। नाउ लिसन वेरी 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 केयरफुली। अब सपोज करिए अपन जावा में लिखते हैं स्टूडेंट एस, जावा में लाइन आपने लिखी, ये जो एस आपने बनाया है ये एस, ये जावा में किसी भी हालत में ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। मार्क माई वर्ड्स, ये जावा में किसी भी हालत में ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। होगा क्या इस लाइन के चलने से? इस लाइन के चलने से बस इतना होगा कि जावा मेमोरी में एक ब्लॉक बना देगी जिसका नाम रख देगी एस। आपका डाउट आएगा सर ये ब्लॉक की साइज क्या होगी और ये ब्लॉक कहलाएगा क्या, तो मैं पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूं। ये कहलाएगा क्या? ये जावा में ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ये जावा में कहलाएगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस, राइट। ये जावा में कहलाएगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस। आप अपने समझने के लिए, अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं, अगर हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर सी के बैकग्राउंड से हैं तो आप अपने समझने के लिए रेफरेंस वर्ड को रिप्लेस कर दीजिएगा विद द वर्ड पॉइंटर, राइट। हालांकि यहां पॉइंटर का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लग रहा है, ना ही पॉइंटर से रिलेटेड सिंबल यहां पे यूज हो रहा है, जो आप याद करिए एस्ट्रिक होता है वो नहीं है। बट ये जो आपने लाइन लिखी है स्टूडेंट एस, ये जावा में ऑब्जेक्ट नहीं बना रही है, ये जो बना रही है उसे हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। और इसकी साइज या तो जावा में होगी 4 बाइट की या तो जावा में होगी 8 बाइट की। आपको लग रहा होगा 4 या 8 बाइट कैसे? अगर आप 32-bit प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो ये 4 बाइट लेगा, अगर आप 64-bit प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो ये 8 बाइट लेगा। अब हम लोगों को आगे के डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं ऑन एन एवरेज आपसे जब भी डिस्कस करूंगा ये मानकर चलूंगा ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस दे ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 4 बाइट। इतना क्लियर है? मैं ये मानकर चलूंगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस विल ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 4 बाइट, बिल्कुल वैसे जैसे आप सी में नॉर्मली बोलते हो जब हम कोई पॉइंटर बनाते हैं तो मेमोरी में जगह लेता है 2 बाइट की। ओके, अब समझिए। अब बात आती है अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट बना कैसे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे हुआ? बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। जावा में अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है किसी भी क्लास का तो आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू, हु इज एस, हु इज एस, चैट विंडो में टाइप करिए व्हाट इज एस हियर, एस इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस, वेरी गुड। आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू न्यू फॉलोड बाय द नेम स्टूडेंट। ये जो सिंटेक्स आप देख रहे हैं जिसमें मैंने लिखा है न्यू स्टूडेंट, दिस इज डब्ल्यू,
न्यू स्टूडेंट, इस लाइन से जावा विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द क्लास जिसका नाम आपने यहां लिखा हुआ है, दैट इज स्टूडेंट। अगर आपको लग रहा है मेमोरी में डायग्राम क्या बनेगा, वॉच केयरफुली, मेमोरी में क्या डायग्राम बनाएगी जावा। अब जावा मेमोरी करेगी एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से एलोकेट। सो आप अगर पुराने लेक्चर्स याद कर पाए, अभी दो दिन पहले के लेक्चर्स, जावा में इंटीजर्स कितने बाइट के, हाउ मेनी बाइट एंड इंटीजर ऑक्यूपाइज इन जावा, एग्जैक्टली 4 बाइट। हाउ मेनी बाइट कैरेक्टर ऑक्यूपाइज इन जावा, 2 बाइट। हाउ मेनी बाइट फ्लोट विल ऑक्यूपाई, 4 बाइट, राइट। सो 4 + 2 + 4, दैट मीन्स ये पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनेगा ऑफ 10 बाइट्स। ओके, इस 10 बाइट्स के 3 पार्टीशन करेगी जावा। एक पार्टीशन का नाम रोल होगा, एक का नाम ग्रेड होगा, एक का नाम परसेंटेज होगा। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी में एक एड्रेस होगा, सपोज करिए वो एड्रेस 2000 है, कुछ भी हो सकता है। ये 2000 जावा असाइन कर रही है इनटू द वेरिएबल या रेफरेंस एस। तो ये जो एस है ये बिल्कुल एक पॉइंटर की तरह इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को करने लगेगा पॉइंट, और हाल फिलहाल इस एस के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा 2000। तो जावा में ऑब्जेक्ट्स अलग होते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, और जावा में ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस अलग होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जावा में हमेशा 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 क्रिएट होते हैं यूजिंग द कीवर्ड न्यू। हमेशा जावा में ऑब्जेक्ट का क्रिएशन न्यू से होता है। एग्जैक्टली शालू, बिल्कुल सही है। जावा में ऑब्जेक्ट कभी स्टैटिकली नहीं बनते, वो हमेशा न्यू कीवर्ड से बनते हैं, और उनको यूज करने के लिए, बनाने के लिए हमेशा आप इस कीवर्ड का यूज करते हैं। सिर्फ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने कहा जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें हमेशा न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ 2 जगह इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब हमें रिलैक्सेशन है। एक है स्ट्रिंग्स के साथ, ध्यान दीजिएगा, और एक है रैपर क्लासेस के साथ। ये मैं आपको अगले लेक्चर में, कल की स्लाइड में बताऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान दीजिए। बाकी जितनी क्लासेस आप जावा में यूज करेंगे, चाहे अपनी यूज करें, चाहे जावा की यूज करें, किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कीवर्ड न्यू। सो जब भी आप न्यू बोलोगे, जावा एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगी, उस ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट का मेमोरी में एक एड्रेस एलोकेट करेगी, वो एड्रेस आपको लौटाएगी। परफेक्ट श्रीनिवास, बिल्कुल। सारे ऑब्जेक्ट जावा में हीप पे बनते हैं, बट ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जावा में मेमोरी के कितने हिस्से होते हैं, किस हिस्से में कौन रहता है, किसका क्या यूज है, ये अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम आर्किटेक्चर ऑफ जेवीएम डिस्कस करेंगे। क्लियर श्रीनिवास? अभी आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, ऑब्जेक्ट्स हीप में बनेंगे क्योंकि वो डायनेमिकली बनते हैं, क्योंकि C++, C हर लैंग्वेज में जो चीजें न्यू कीवर्ड से बनती हैं वो सारी चीजें रहती हैं हीप में, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का पार्ट होती हैं। अभी ये बातें अगर आपको ज्यादा टेक्निकल लग रही है तो कोई टेंशन मत लीजिए, अभी बस इतना मैं जो कह रहा हूं समझिए। जावा में जब आप क्लास का नाम लिखकर कुछ बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, वो जावा में कहलाता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसलिए मैं आपको इतने दिनों से टोक रहा था कि अपन जावा में ये ना बोलें कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना रहे हैं, राइट। इसलिए आप याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले जो रैपर क्लास आपने ली थी इंटीजर ओबीजे, वो जो ओबीजे था वो प्रिसाइसली बोलूं तो एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस था। इतना क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? ओके, और ये जो बना है आपके सामने ग्रीन कलर में, दिस इन जावा विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अब मैं आपसे कल के लेक्चर की एक बात रिकॉल करवाता हूं, कल या परसों जब भी हमने 2 लेक्चर पहले डिस्कस करा होगा। ये जो इंट है, क्या जावा इसे इनिशियलाइज करेगी? ये जो रोल है, विल जावा पुट सम वैल्यू इन दिस, यस और नो? हाँ शालू, उसी प्यारा। आपने अभी मेरी बात सुनी, मैंने कहा था स्ट्रिंग और रैपर के लिए एक्सेप्शनल केस है कि आपको न्यू नहीं कहना पड़ता। आई सेड, आप ध्यान दीजिएगा रिकॉर्डिंग सुनते वक्त, मैंने कहा जब भी आप जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं अपनी बात, बताऊंगा, जावा में विकास उतने पॉइंटर्स का फ्रीडम नहीं है जितना सी के अंदर होता है। जावा रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ पॉइंटर देती है, विच इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट रेफरेंस।
विकास का क्वेश्चन है कि सी सेफ नहीं है पॉइंटर्स के कारण, जावा सेफ कैसे हो गई? मैंने बोला जावा में पॉइंटर्स का रेस्ट्रिक्टेड वर्जन है जिसको हम बुलाते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। मैं बताऊंगा क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस पे हैं। तो पहले मैं शालू का डाउट क्लियर कर दूं। मैंने कहा था स्ट्रिंग और रैपर, इन दो के लिए जावा ने हमें रिलैक्स करा हुआ है कि हमें इनके लिए न्यू कहने का कंपल्शन नहीं है, लेकिन बाकी जितनी भी क्लासेस जावा में हैं और आप जितनी भी क्लासेस बनाएंगे हर एक के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा न्यू कीवर्ड यूज करके एक ऑब्जेक्ट। बिना न्यू यूज करे आप कभी जावा में ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल एग्जैक्टली। स्टिल इट इज डायनेमिक, वो अभी भी मेमोरी के अंदर डायनेमिक स्टाइल में क्रिएट होगा, बट कैसे उसका इंटरनल डिजाइन अपन पढ़ेंगे। अभी के लिए आप मान लीजिए वो डायनेमिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ू राइट। तो हाँ मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं कि जो रोल वेरिएबल बना है रोल ग्रेड और पर, विल जावा इनिशियलाइज देम, यस और नो? यस एग्जैक्टली। कैन यू टेल व्हाई? बिकॉज दे आर इंस्टेंस मेंबर्स राइट नाउ। आपने पढ़ा था लास्ट स्लाइड्स में, ये इंस्टेंस मेंबर हैं, लोकल वेरिएबल्स नहीं है, क्लास लेवल के वेरिएबल्स हैं, और क्लास लेवल वेरिएबल्स को जावा हमेशा हमेशा करती है इनिशियलाइज। तो रोल के अंदर वैल्यू डालेगी वो जीरो, ग्रेड के अंदर वैल्यू डालेगी वो बैकस्लैश जीरो, और परसेंटेज के अंदर वैल्यू आएगी 0.0f, 0.0f, f इज फॉर फ्लोट सफिक्स डिक्लेरेशन। क्लियर? तो आज बस मेन पॉइंट आपको जो समझ के जाना है वो ये दैट इन जावा, अब आप इसी पे आइए, ये जो आपने इंटीजर ओबीजे लिखा हुआ है इसका इस पूरे का मेमोरी डायग्राम दे सकते हैं। कैन यू ट्राई गिविंग दिस डायग्राम? ये मेमोरी में कैसा दिख रहा होगा? इंटीजर ओबीजे से क्या बना? ओबीजे नाम का एक रेफरेंस बना। ये पॉइंट करेगा इंटीजर क्लास के एक ऑब्जेक्ट को, ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट का मान लीजिए मेमोरी में एड्रेस है 15,000, ये 15,000 इस ओबीजे में आएगा और इसके अंदर जो स्टोर होगी वैल्यू वो होगी 10। तो हु इज दिस? ये जिसको मैंने हाईलाइट करा, हु इज दिस? चैट विंडो में नाम लिखिए, दिस इज इंटीजर ऑब्जेक्ट राइट। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये ओबीजे, भले ही नाम ओबीजे इसका बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जावा में कहलाएगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इज इट क्लियर? क्लियर? तो स्ट्रिंग क्लास के लिए जावा ने आपको बस ये रिलैक्सेशन दिया है कि यहां आप न्यू यूज करे, सॉरी इंटीजर क्लास और स्ट्रिंग के लिए कि बिना न्यू यूज करे भी ऑब्जेक्ट बन जाता है, बट अभी आप न्यू वाले ही सिंटेक्स को ध्यान में रखिएगा। ये क्लियर हुआ? तो आज हमने सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट, ए रहेगा मेमोरी में, ए कहीं नहीं गया, ए अभी भी है मेमोरी के अंदर, ए स्टैक में रहेगा। हाँ ए, ए का डायग्राम अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो ए अलग से मेमोरी में है, ये लाइन को अगर हम फॉलो करें तो इसका मेमोरी डायग्राम ये रहा। गुड क्वेश्चन चालू, ये रहा ए और ए के अंदर 10 आएगा। ये क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इज दिस क्लियर? ओके, ए और ओबीजे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? टेल मी एग्जैक्ट डिफरेंस। पहला डिफरेंस मैं बता देता हूं, ये एक वेरिएबल है वो एक रेफरेंस है। इसके अलावा डायग्राम देखिए आपको दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ए इज होल्डिंग अ वैल्यू वाइल ओबीजे, अगर आप ध्यान से देखें तो इट्स नॉट होल्डिंग वैल्यू, इट्स होल्डिंग एड्रेस। या ए हैज एन इंटीजर वैल्यू, इंटीजर कॉन्स्टेंट, ओबीजे हैज एन एड्रेस। इज इट क्लियर? राइट, तो यही अपन जावा में आज सीखने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप सी डबल प्लस के साथ कंपेयर करें तो सी डबल प्लस के अंदर स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। सी डबल प्लस में अच्छा और एक चीज बताइए जो मैं नहीं बताई, मैंने बताना भूल गया मैं, ये लाइन जब चलेगी सी प्लस प्लस में, जिन्होंने पढ़ी है सी प्लस प्लस आप बताएं, पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा मेमोरी में 7 बाइट का ब्लॉक बन जाएगा राइट, दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा गार्बेज से इनिशियलाइज हो जाएंगे, और एक बात है जो मैंने नहीं बोली, क्या होगा गेस करिए, अगर सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो चैट विंडो में टाइप करिए, इन दो के अलावा तीसरा क्या होगा? एग्जैक्टली, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल भी हो जाएगा राइट। अगर सी डबल प्लस पढ़ी हो तो आप इस चीज को याद करें, नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जावा में पढ़ेंगे अपन कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और अगर यही चीज आप जावा में लेकर आए
तो आप बताइए, जब आपने ये लाइन लिखी होगी, ये लाइन जब लिखी होगी तो कंस्ट्रक्टर जैसी चीज कॉल हुई होगी, यस और नो? ये स्टूडेंट टेस्ट जब चला होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, हाँ या ना? यस और नो? नहीं कॉल हुआ, बिकॉज एस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, एस इज जस्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस. कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड्स होते हैं जो तब कॉल होते हैं जब बनता है ऑब्जेक्ट. तो जावा में गेस करिए, कंस्ट्रक्टर अगर कॉल हुआ भी होगा तो वो इस लाइन पे हुआ होगा जब न्यू स्टूडेंट लिखा गया है, तब नहीं कॉल हुआ होगा जब स्टूडेंट क्लास का क्रिएट हुआ है रेफरेंस. और शायद आपका ध्यान नहीं गया इस बात को, इस पैरेंथेसिस से जावा आपके सामने रख रही है. ये जो पैरेंथेसिस अपन देख रहे हैं, ये इस बात का इशारा दे रहा है कि स्टूडेंट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना तो उसका बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर भी हो गया कॉल. क्लियर? अभी कंस्ट्रक्टर अगर पढ़ा है तो आप इस चीज से कनेक्ट करिए, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं. आप बस दो बातों पर ध्यान दीजिए कि जावा में स्टूडेंट टेस्ट लिखने से ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनता है. न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो जावा क्रिएट करती है क्लास का ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? अब जाते जाते फाइनल पॉइंट, ये जो लाइन आपने आज देखी, स्टूडेंट एस, एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट लिखा मैंने, कैन आई राइट इट इन वन सिंगल लाइन? इसका एक सिंगल लाइन कन्वर्जन भी हो सकता है, यस और नो? हो सकता है. क्या लिख दिया जाएगा बताएं? आई कैन राइट द सेम लाइन एज स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू फॉलोड बाय स्टूडेंट एंड ऑफ कोर्स अ सेमी कोलन एट द एंड. इज इट क्लियर? Any queries, any doubt till this concept? Clear? Okay. तो कल मिलते हैं अपन इससे आगे. कल पहले आज ये वाला concept revise करेंगे अपन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा string class कैसे handle होती है. या विकास बोलिए बोलिए. C++ में wrapper class यही होती है जो आप, वो wrapper नहीं container classes होती हैं, वो आपको आगे आगे बताऊंगा मैं C++, जब Java में वो container classes बताऊंगा. क्लियर? राइट. क्योंकि जावा में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. और जब विकास का क्वेश्चन है, जावा ऑब्जेक्ट रेफरेंस के कॉन्सेप्ट पे क्यों गई जब ऑब्जेक्ट अवेलेबल था? ऑब्जेक्ट्स याद रखिएगा, सी डबल प्लस की बात अगर अपन करें, बता देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा. सी डबल प्लस में ये जो लाइन है, ये ऑब्जेक्ट बनाएगी विकास, यस और नो? C++ में ही ऑब्जेक्ट बनेगा, हा या ना? बनेगा, राइट? और C++ इसे बनाएगी मेमोरी के एक एरिया में जिसका नाम है स्टैक, राइट? ये स्टैक में क्रिएट होगा. ओके? जावा के अंदर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट इस कीवर्ड से बन रहा है, न्यू कीवर्ड से. और जैसा मैंने अभी भी बातों में आपसे कहा था, जावा इसे क्रिएट करेगी इनसाइड हीप. ओके? और जब कोई चीज हीप में बनती है तो उसका सिर्फ एड्रेस होता है, उसको पॉइंट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं रेफरेंसेस. जैसे सी डबल प्लस में अपन आते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं ये बात, कोई भी चीज अगर हीप में बनती है, हीप एरिया में बनती है मेमोरी के, तो उसका सिर्फ एड्रेस होता है मेमोरी में, उसका कोई नाम नहीं होता. उसे पॉइंट करने के लिए हमें, जैसे यहां देख रहे हैं आप, ऐसे चाहिए होते हैं रेफरेंसेस. अपन सी डबल प्लस पे वापस लौटते हैं. आप बताओ, सी डबल प्लस में इसके अलावा कोई तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का? डू वी हैव सम अदर वे इन सी डबल प्लस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, यस और नो? है, बिल्कुल, यूजिंग न्यू. सी डबल प्लस में इसी काम को करने का दूसरा स्टाइल होगा, वॉच केयरफुली. स्टूडेंट पॉइंटर पी फॉलोड बाय पी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट? सी डबल प्लस में आप ये लिखोगे, पैरेंथेसिस नहीं आता, ऐसे लिखोगे आप, क्योंकि सी डबल प्लस में भी आपने न्यू स्टूडेंट कहा है. तो सी डबल प्लस में भी अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये बनेगा हीप में, और इसको पॉइंट करने के लिए जो मैंने पॉइंटर बनाया है एस के नाम से, ये एस बनेगा स्टैक में. क्लियर विकास? आउट डाउट क्लियर?
राइट right? और इसके बारे में मैं कल आपसे डिटेल में बात करूंगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स जावा में किस तरह से अपन डिजाइन करते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन देना है। फिर एक और बार क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स अपन पढ़ेंगे जब हम खुद की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। ओके तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके ओके गुड नाइट, टेक केयर।